बैंगन और कसूरी मेथी की चटनी। बैंगन और कसूरी मेथी की चटनी बनाने की विधि। हर बार की तरह गर्म पैन में तेल डालकर साबुत धनिया डालें। रंग थोड़ा भूरा होने के बाद साबुत लाल मिर्च, लहसुन और बैंगन के टुकड़े, साथ में टमाटर, हरी मिर्च और कुछ कसूरी मेथी। नमक भी डालकर एक बार चलाकर इस पर ढक्कन लगाकर कुछ देर ऐसे ही पकने दें। बीच बीच में ढक्कन निकालकर चलाते भी रहें। जब बैंगन पककर नरम हो जाए, इन्हें चूल्हे पर से निकालकर इस तरह के जार में डालकर ग्राइंड कर लें, मगर आप मोटा ही पीसे, ज़्यादा बारीक नहीं। इस तरह इसे आप चाहे तो पत्थर के मूसल में भी डालकर पीस सकते हैं। इस चटनी को चावल, रोटी, ब्रेकफास्ट टिफिन किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगा।